अरे मोदी जी, लालू जी, राहुल, केजरीवाल जी, अरे कैसे बैठे पड़े हो? ये खीर की प्याली एक एक उठाओ और खाना शुरू करो। जरूर वैसी जी, जरूर खाएंगे। जब ईद की दावत पर आपने बुलाया है तो जरूर आपके यहाँ की खीर और सिवई खाएंगे हम। अभी खाते हैं। पहले तो वैसी जी, हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले साल ईद की दावत पर आपने मुझे बुलाया था, जो आपने खीर खिलाई थी उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह से नहीं गया है। अरे मोदी जी, इस साल की खीर तो खाकर देखो। इस साल की खीर तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेवा डाली है। और ये जो आपके बराबर में लालू जी बैठे, इन्हीं के यहाँ से भैंस का दूध मंगाया था मैंने खीर बनाने के लिए। लेकिन लालू जी, आपने दूध के रेट बहुत बढ़ा दिए। वैसी जी, दूध के रेट को देख रहे हो? मैं भैंस का बिल्कुल प्योर दूध बेचता हूँ, इसीलिए मेरे दूध के रेट ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो आपकी खीर का स्वाद बढ़िया होता है। चलो ये तो रही बिजनेस की बात है, लेकिन उबैसी जी, आपके हाथ की बनी हुई सिवई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिवई की प्याली लाओ एक मेरे लिए। आप ईद की दावत पर बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। मेरी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे लालू जी, और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे अखिलेश, तुम ईद की दावत पर बड़ा देर से आयो, अब आयो। सबसे पहले तो फोन मैंने आप ही को किया था। क्या बताऊं वैसी जी, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, इसीलिए खेत पर चला गया था। अचानक मुझे याद आया कि वैसी जी ने ईद की दावत पर बुलाया है, तुरंत भागा चला आया। और वैसी जी, हमारी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राहुल बेटा, खाना शुरू करो। वैसी जी के हाथ की खीर बनी हुई बहुत ही अच्छी होती है। ईद के मौके पर ये बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं। कैसा बेटे पड़ा, खाना शुरू कर। और राहुल वैसी जी, एक बात तो बोलना मैं आपको भूल ही गई, ईद की मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे सोनिया जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, ये खीर खाना शुरू करो। जब तुम सब लोग खीर खा लोगे, उसके बाद मैं इस सिमई खिलाऊंगा। ये देखो मेरे हाथ में सिमई है। वैसे जी, आप हमें ईद की दावत पर बुलाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। और राहुल मोदी जी, तुम सब लोग मुझे होली और दिवाली की दावत पर बुलाते हो, तो मेरा दिल भी तो खुशी से झूम उठता है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। अपना सब लोगों को इसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए, यही तो इंसानियत है। मेरी तरफ से भी वैसी जी, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी, सबको सिर्फ एक ही एक किताब देना, एक ही एक किताब बांटना, किसी को भी डबल किताब ना चली जाए, ध्यान रखना इस बात का। अरे इस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ और तुम टीचर हो, इसीलिए मैंने सोचा जो लोग किताब नहीं ले पाते उन्हें एक एक किताब बांट देती है। 3-in-1 किताब, मेरा मतलब हिंदी, अंग्रेजी, गणित एक ही किताब में होगा सब कुछ। अरे योगी जी, आपको किताब मिल तो गई, अब आगे ना बढ़ो, आगे बढ़ो, केजरीवाल को लेने दो अब किताब। अरे सोनिया जी, एक किताब और दे दो, एक किताब और दे दो, मेरा दोस्त नहीं आया है आज पढ़ने के लिए, उसके लिए किताब मुझे दे दो। अरे योगी जी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, जो यहाँ पर आया है किताब उसी को मिलेगी, आपका दोस्त जब पढ़ने आएगा तभी उसे किताब मिलेगी। तुम आगे बढ़ो, केजरीवाल जी को किताब लेने दो। अरे योगी जी, आगे बढ़ो, कम से कम मुझे तो किताब ले लेने दो, आपको तो किताब मिल गई। लेकिन मोदी सर जी, मेरी बात ये समझ में नहीं आती, आपने मुझे और अखिलेश को एक ही किताब दी है, जबकि सबको एक एक किताब दे रहे हो। अरे मुझे अलग किताब दो और अखिलेश को अलग किताब दो, आपने हम दोनों लोगों को एक ही किताब दी है, ऐसा कैसे? और मम्मी जी, आप भी कुछ नहीं बोल रही हो? अरे मोदी जी के स्कूल में आप टीचर हो, आप तो कम से कम बोलो, मुझे दो किताबें दो, अखिलेश को अलग दो, मुझे अलग दो। राहुल और अखिलेश, तुम्हें एक ही किताब मिलेगी, तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आते ही कहाँ हो? महीने में 15 दिन पढ़ने के लिए आते हो, और अखिलेश भी महीने में 15 दिन पढ़ने के लिए आता है, तो तुम एक ही किताब से काम चला लेना। 15 दिन राहुल तुम किताब लेके आना, 15 दिन अखिलेश तुम किताब लेके आना। चलो कोई बात नहीं मोदी सर जी, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, कम से कम किताब तो मिली कोई फ्री में। लेकिन मोदी सर जी, आप मुझे किताब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी गलती तो बताओ, मेरी क्या गलती है, क्यों किताब नहीं दे रहे हो आप मुझे? लालू जी, गलती की बात कर रहे हो? जब तक तुम ड्रेस पहनकर नहीं आओगे, तुम्हें किताब नहीं दी जाएगी। जाओ स्कूल की ड्रेस पहन कर आओ, स्कूल की ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए हो? लेकिन मोदी सर जी, मैं तो ड्रेस पहन कर आया हूँ, मुझे किताब क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ। नीतीश कुमार जी, तुम कल किताब लेने ही गए हो, रजिस्टर में नाम चढ़ा हुआ है कि तुम कल किताब ले जा चुके हो, दोबारा किताब मांग रहे हो। सोनिया जी, जिसको भी किताब देती है वो नाम रजिस्टर में चढ़ा देती है, जो भी किताब ले जाता है उसका नाम रजिस्टर में चढ़ जाता है। मायावती जी, आपको किताब मिल गई? आप कैसी खड़ी हो बताओ मुझे। हाँ मोदी सर जी, मुझे तो किताब मिल गई, मैं तो बस ये देखने के लिए खड़ी हूँ कि किसको किताब मिल रही है स्कूल की, किसको नहीं मिल रही है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
आ जाओ भाई जल्दी जल्दी लेने के लिए, चले आओ जल्दी जल्दी। ईद के मौके पर सारी की सारी जलेबी बिक गई, जल्द से जल्द चले आओ लेने के लिए। अरे ओवैसी जी आ गए। अरे ओवैसी जी कितनी जलेबी दे दूं बताओ। अरे मोदी जी ईद के मौके पर मेहमान बहुत आ रहा है घर पर, एक दो किलो जलेबी से तो काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 5 किलो जलेबी दो। और एक बात कह देता हूँ, कल मैं आपसे जलेबी ले गया था, उसमें आपने अच्छे तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, तेल की आ रही थी जलेबी में से। अरे कैसी बात करते हो वैसी जी, ये देखो सुनकर देखो, प्योर देसी घी में जलेबी बना रहे हैं हम लोग, और आप कह रहे हो कि जलेबी में से कैसी आ रही थी। अरे लालू जी प्योर देसी घी की तो खुशबू आ नहीं रही थी जलेबी में से, कल तो मैं ले ही गया था, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे सरसों के तेल में बनाई हो आपने जलेबी। वो तो चलो कोई बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ ईद के मौके पर अच्छी तरीके से जलेबी बनाओ। वैसी जी तुम अकेले जलेबी लेने के लिए आयो, सुबह से एक क्विंटल जलेबी बेच चुके हैं हम बनाकर, और बिल्कुल ताजी ताजी जलेबी बना रहे हैं, ताजी ताजी जलेबी लोगों को दे रहे हैं। अरे भाई ईद का मौका है तो उल्टी सीधी जलेबी बनाकर थोड़ी देंगे, लोगों को अच्छी जलेबी बनाकर देंगे। कितनी जलेबी कह रहे थे उबैसी जी, 5 किलो? अरे राहुल कैसे बैठे पड़े हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इस डिब्बे में 5 किलो जलेबी पैक करो उबैसी जी की। अरे मोदी जी पैक तो तब करूंगा जब लालू जी ये जलेबी तोल कर देंगे। लालू जी जल्दी से 5 किलो जलेबी तोलो उबैसी जी की। अरे राहुल 5 किलो जलेबी तो तभी तोलूंगा मैं जब 5 किलो जलेबी बनकर तैयार हो जाएंगी, अभी तो सिर्फ 2 किलो जलेबी बनकर तैयार हुई है। मोदी जी जल्दी जल्दी से जलेबी बनाओ, अभी तो सिर्फ ट्रे में 2 किलो जलेबी है, 3 किलो जलेबी और बनाओ तभी उबैसी जी को 5 किलो जलेबी इकट्ठी तोल के दूंगा। अरे भाई लालू जी मेरे हाथ में कोई मशीन थोड़ी लगी है जो एकदम जलेबी बनाकर तैयार कर दूंगा, हल्के ही हल्के जलेबी बनकर तैयार होंगी। उमेशी जी सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में सारी की सारी जलेबी बनाकर तैयार कर देता हूँ तुम्हारी 5 किलो। अरे मोदी जी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो, अभी तो 5 किलो जलेबी बनने में बहुत टाइम लगेगा, इससे तो मैं केजरीवाल की दुकान से जलेबी ले लेता, ईद के मौके पर मेहमान बैठे होंगे घर पर। ये बताओ वैसी जी मैं केजरीवाल जी से जलेबी लेने को आपसे मना कर रहा हूँ, जाकर ले लो, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उनकी जलेबी तो बासी है, उन्होंने कल ही बनाकर तैयार कर ली थी और आज बेच रहे हैं, और हम तो ताजी ताजी बनाकर दे रहे हैं। अब तुम खुद ही समझदार हो, ये बताओ ताजी जलेबी लोगे या बासी जलेबी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।